हेलो मेरे भाइयों की हाल चाल। तो आज का जो हमारा पूरा वीडियो है ये किसी भी डेक के ऊपर नहीं होने वाला है। आज के वीडियो में यहाँ पर मैं क्लैश वेल के जितने भी टावर स्किन्स हैं इन सब का आज फुल रैंकिंग करने वाले हैं। एंड जैसा कि यहाँ पर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकती हैं, जो आज की वीडियो का फुल रैंकिंग का रूल है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जितने भी टावर स्किन्स यहाँ पर ऊपर में रहेंगे वो टावर स्किन्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। एंड यहाँ पर नीचे में हम लोग जितने भी टावर स्किन्स देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है उनको हम लोग नीचे में रखेंगे। एंड मिड में हम लोग यहाँ पर ऐसे टावर स्किन्स को रखेंगे जो कि ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, ज़्यादा बुरे भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि आज के वीडियो को जो फुल रैंकिंग का रूल है वो कैसा होने वाला है। एंड अगर आज के वीडियो में मैं कोई भी टावर स्किन को मिस कर देता हूँ देन उसको फुल इग्नोर कर देना, हम उसको किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं नारियल पानी से, यानी कि ये वाला टावर स्किन से। तो यहाँ पर ये जो हमारा टावर स्किन है ये फुल्ली यहाँ पर कोकोनट थीम के ऊपर बेस्ड है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो वाटर मिलन है ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड यहाँ पर जो टावर स्किन है ना ये थोड़ा सा कर्व भी है जो कि इसको देखने में और भी ज़्यादा बेटर बना रहा है। तो यहाँ पर ये जो टावर स्किन है ये मेरे को देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको रखने वाले हैं ए टायर यानी कि ऑसम में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे टावर स्किन की तरफ। तो यहाँ पर ये जो हमारा दूसरा टावर स्किन है ये है एक शार्क टावर स्किन। भाई कुछ भी बोलो यार, ये जो शार्क है ना ये सही में देखने में काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार लग रहा है। सबसे ज़्यादा ज़ोरदार तो ये जो स्किन है ये एरिना में देखने में लगता है, इसलिए यहाँ पर जो टावर स्किन है हम लोग इसको रखेंगे टॉप पे यानी कि सुपर में। बट मेरे को यहाँ पर एक बात ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा शार्क ये क्लैश रॉयल के इतने छोटे टावर स्किन में आकर फिट कैसे हुआ। तो यहाँ पर क्लैश रॉयल के गेम में लॉजिक एंड सल्लू भाई के मूवी में फिजिक्स, इन दोनों का हम लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे टावर स्किन की तरफ। ओ भाई ये वाला टावर स्किन को आखिरकार रैंकिंग करना पड़ेगा। लिटरली ये जो टावर स्किन है ना जो कि एक टाइप से लॉक टावर स्किन है ये मेरे को गेम का सबसे घटिया टावर स्किन लगता है। मतलब जब ये टावर स्किन लॉन्च हुआ था तब मैंने पहली बार 512 परचेज किया था। एंड सही बता रहा भाई ये टावर स्किन बहुत ज़्यादा घटिया है। यहाँ पर अगर बैड के नीचे भी कोई और भी रैंकिंग का होता ना देन मैं उसको वहाँ पर डालता, बट फिलहाल के लिए इसको बैड में डालना पड़ेगा बिकॉज सही में जो टावर स्किन है ना ये एकदम घटिया टावर स्किन है, देखने में एकदम बकवास लग रहा है भाई, इसलिए यहाँ पर हमने इसको रखा है बैड में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टावर स्किन की तरफ। तो नेक्स्ट नंबर पे है यहाँ पर आइस टावर स्किन। तो यहाँ पर ये जो टावर स्किन है ये सबको फ्री में मिला था एंड यहाँ पर ये देखने में ना इससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर ही लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको ऑसम वाले टायर में रखेंगे बिकॉज ये फ्री टावर स्किन है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा क्राउन है ना ये बीच में ग्लो भी हो रहा है जो कि इसको और भी ज़्यादा बेटर बनाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको ऑसम टायर में रखा है। तो चलिए बढ़ते अगले वाले टावर स्किन में। एंड ये जो टावर स्किन है ये शायद हमारा जो प्रिंसेस वाला मतलब सीजन था उसमें आया था। एंड ये एक टाइप से क्लाउड वाला टावर स्किन है एंड सही में देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्पेशली जो इसके फ्रंट में क्राउन एंड यहाँ पर जो गोल्डन बॉर्डर्स है इससे जो टावर स्किन है ना ये और भी ज़्यादा स्पेशल बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो टावर स्किन है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टावर स्किन है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको रखूँगा सुपर में। एंड बढ़ते अगले टावर स्किन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला टावर स्किन है ये है मेगा नाइट टावर स्किन। तो यहाँ पर ये जो पूरा टावर स्किन है ये मेगा नाइट थीम के ऊपर बेस्ड है एंड ये क्लैश रॉयल का पहला ऐसा टावर स्किन था जो कि किसी एक सिंगल कार्ड के ऊपर बेस्ड था। एंड जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके फ्रंट में हमें यहाँ पर जो मेगा नाइट का हेलमेट है उसको वो भी देखने को मिल जाता है। मतलब ये जो पूरा टावर स्किन है ना इसको फुल मेगा नाइट का फील दिया गया है जो कि एकदम खतरनाक देखने में लग रहा है, ये मतलब एक हैवी टावर स्किन है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए इसको ब्यूटीफुल एंड ऑसम में दोनों में रख सकता हूँ। तो एक काम करती है इसको हम लोग ऑसम में रखते हैं बिकॉज ये क्लैश रॉयल का एक सिंगल ऐसा टावर स्किन है जो कि किसी कार्ड के ऊपर बेस्ड है। एंड हमारे जो अगला टावर स्किन है भाई ये वाला टावर स्किन ना सही में देखने में बहुत ज़्यादा ज़ोरदार है, स्पेशली अगर आप लोग इसको गेम के अंदर देखोगे ना देन ये गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है जो कि इसे और भी ज़्यादा स्पेशल बना देता है। प्लस यहाँ पर जो टावर स्किन है इसका डिज़ाइन भी भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है बिकॉज अगर हम लोग क्लैश रॉयल के मैक्सिमम टावर स्किन्स को देखेंगे देन जो पूरा स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है बहुत सारे टावर स्किन्स का, बट ये काफ़ी ज़्यादा कर्व है प्लस इसका जो बेस है ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अलग है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको रखेंगे सुपर वाले कैटेगरी में। एंड यहाँ पर जो हमारा अगला टावर स्किन है ये शायद कुकीज़ या हम एक टाइप से बोल सकते हैं ओके ये कुकीज़ टावर स्किन है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, स्पेशली यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा गया है। मुझे आज भी याद है जब ये टावर स्किन लॉन्च हुआ था तब ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था एंड मेरे को उस टाइम लेना था बट कुछ रीजंस की वजह से ये मैं ले नहीं पाया था, बट स्टिल आज भी जो टावर स्किन है
ये देखने में काफी ज्यादा जोरदार लग रहा है। एंड यहाँ पर जो हमारा अगला टावर स्किन है जो कि एक टाइप से गॉबलिन हट टावर स्किन है। एंड यहाँ पर ये टावर स्किन अच्छा है, देखने में इतना बुरा भी नहीं है, बट अगर इसके फ्रंट में थोड़ा सा और काम हुआ होता, लाइक थोड़ा और लाइटनिंग एंड थोड़ा सा और अच्छा मतलब देखने में लगता, देन शायद इस टावर स्किन को हम सुपर ऑसम नहीं तो और उससे भी ऊपर रख सकते थे, बट उससे ऊपर कुछ है नहीं, बट स्टिल ये ठीक ठाक है देखने में, बट मेरे को कुछ इतना खास नहीं लगा। एंड जो हमारा अगला टावर स्किन है जो कि यहाँ पर सीजन 9 यानी कि जो क्लैश रॉयल का बर्थडे था तब लॉन्च हुआ था। एंड यहाँ पर जो टावर स्किन है ये केक टावर स्किन है, एंड सही में देखने में मेरे को ये टावर स्किन काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार लगा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऑसम में रखेंगे बिकॉज ये केक टावर स्किन है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, प्लस बैलून वैलून डाल के रखा है, ओवरऑल बोले तो अच्छा टावर स्किन है। एंड अगर हम लोग बात करें ये वाले टावर स्किन की तो ये है ट्री टावर स्किन, एंड ये टावर स्किन भी ठीक है, थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट ट्राई किया गया, बट अगर ना थोड़ा सा और कुछ काम हुआ होता ना देन ये देखने में और भी ज़्यादा बेटर लगता, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इस टावर स्किन को देखें, लॉक टावर स्किन एंड जो हमारा ट्री टावर स्किन है, कि ये जो दोनों है ना ये देखने में थोड़ा थोड़े सिमिलर लग रहे हैं, बट इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट का ट्राई किया गया है, इसलिए हम लोग इसको ब्यूटीफुल में तो नहीं रखेंगे, नाइस में रखेंगे, नाइस में ये ठीक है। एंड चलिए बात करते हैं इस वाले टावर स्किन की, तो यहाँ पर जो टावर स्किन है ये गेम के अंदर लिटरली हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है, बट सेम है जो टावर स्किन है ना इसको देखने से ही ना मेरे को मेगा नाइट की फील आती है, बिकॉज अगर हम लोग इसके जो शार्प एजेस है इसको देखेंगे इससे हम लोग को फुल मेगा नाइट वाली फीलिंग आती ही आती है, प्लस इसकी सेंटर से जो वाटर निकलता है ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार लग रहा है। तो यहाँ पर जो टावर स्किन है मैं इसको रखने वाला हूँ ऑसम वाले कैटेगरी में। एंड यहाँ पर जो हमारा अगला टावर स्किन है ये वाला जो टावर स्किन है ना ये हमारे करंट यानी कि सीजन 23 का टावर स्किन है। टावर स्किन देखो अच्छा है, प्रिंसेस टावर ठीक है, किंग टावर इतना कुछ जमा नहीं मेरे को यार, इसको और भी ज़्यादा लिटरली बेटर बनाया जा सकता था, क्योंकि एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आप इसका किंग टावर देखो एंड ये जो हमारा मतलब आइस वाला टावर स्किन है ना जो कि हमें फ्री में मिला था, इन दोनों को देखो, लग रहा है जो आइस वाला टावर स्किन है उसका पूरा आइस पिघल गया है, एंड जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला टावर स्किन है, क्योंकि दोनों के दोनों टावर स्किन देखने में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं, एंड जो दोनों का सेंटर वाला पार्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने में सिमिलर लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको नाइस वाले कैटेगरी में रखेंगे। वैसे इसको मैं बैड में रखने वाला था बट प्रिंसेस टावर की वजह से इसको मैं यहाँ पर नाइस में रख रहा हूँ। एंड चलिए बात करते हैं ड्रैगन टावर स्किन के बारे में, यहाँ पर भी थोड़ा अलग से वो ट्राई किया गया था, कॉन्सेप्ट अच्छा टावर स्किन थोड़े इसके जो एजेस है ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहे हैं, बट मेरे को लग रहा है जो मतलब जो ड्रैगन है ना इसको और अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता था, बट स्टिल नॉट बैड, इसको हम लोग रखेंगे ब्यूटीफुल में। एंड चलिए बात कर लेते हैं ये वाले टावर स्किन की, भाई ये जो टावर स्किन है ये भी क्लैश रॉयल के बर्थडे का टाइम लॉन्च हुआ था, बट इसको हम लोग ना किसी भी टायर में रखने से पहले एक बार इसको कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के बर्थडे वाले से। तो यहाँ पर जो इसके ऊपर जो टावर स्किन है जो कि केक टावर स्किन है, ये लास्ट ईयर का टावर स्किन था, भाई लास्ट ईयर वाला एक बार टावर स्किन देखो, देखने में क्या जोरदार लग रहा है। एंड इस बार को देखो, लिटरली क्लैश रॉयल का बर्थडे था एंड ये टेंट टावर स्किन दे दिया, मतलब टेंट टावर स्किन भाई कसम से देखने फुल टेंट लग रहा है मेरे को यहाँ पर ये, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको नाइस वाले कैटेगरी में रखेंगे, इतना भी कुछ खास नहीं लगा है। एंड यहाँ पर ये जो टावर स्किन है भाई फुल अग्रेसिव टावर स्किन है, ये जब भी मैंने इसको गेम के अंदर फर्स्ट टाइम देखा था ना ये देखने में काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको रखेंगे सुपर में भी रख सकते हैं, ऑसम में भी, फिलहाल के लिए सुपर में रखेंगे, बिकॉज जो इसके सामने वाला फ्रंट है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक देखने में लग रहा है। एंड अगर हम लोग बात करेंगे ये वाले टावर स्किन की जो कि यहाँ पर अक्टूबर या हम बोल सकते हैं शॉकटूबर वाले अपडेट में लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पर ये फुल इलेक्ट्रिक टावर स्किन है, अच्छा टावर स्किन है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार है, इसलिए हम लोग इसको रखेंगे यहाँ पर ऑसम वाले कैटेगरी में। एंड अगर हम लोग बात करें ये आइस वाले टावर स्किन के, भाई ये टावर स्किन देखने में बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार है, इसके जो एजेस है ना ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, प्लस काफ़ी ज़्यादा शार्प है, इसलिए यहाँ पर हम लोग उसको रखेंगे सुपर में, क्योंकि आपको जो आइस फ्रंट में है ना एंड जो कॉर्नर्स में है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। एंड अगर हम लोग बात करें बोट टावर स्किन की, तो यहाँ पर ये टावर स्किन मेरे पास नहीं है, बिकॉज जब भी ये टावर स्किन लॉन्च हुआ था तो वो वाले सीजन्स में मैंने गेम बिल्कुल भी ऑन भी नहीं किया था, इसलिए उस टाइम मैं क्लेम नहीं कर पाया था, बट स्टिल ये जो टावर स्किन है ये फ्री में मिला था, एंड मुझे आज भी याद है कि जो टावर स्किन जब फ्री में मिला था ना देन प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे, तो
ये टावर स्क्रीन फ्रंट से देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बैक से इतना अच्छा नहीं है बट फ्रंट में अच्छा है, फ्री में मिला है इसलिए हम लोग इसको रखेंगे ऑसम में। तो देखो इसको ऑसम में रखने का मेन रीज़न ये है कि ये फ्री में मिला है, अगर ये फ्री में नहीं मिला होता ना इसको नाइस नहीं तो ब्यूटीफुल में रखते हैं। अगर हम बात करें ये वाले टावर स्किन की तो ये भी अच्छा है देखने में, बट ये जो टावर स्किन है ना ये थोड़ा थोड़ा, ये जो इसके ऊपर वाला टावर स्किन ना देख सकते हैं ये वाटर वाला, इससे थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है देखने में। मतलब फ्रंट में थोड़े से यहाँ पर डिज़ाइन विज़ाइन अच्छा है, थोड़ा गोल्डन कलर का बॉर्डर दिया गया है, मतलब इतना भी कुछ खास नहीं है, मतलब इसको नाइस में रखेंगे, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है ज़्यादा बुरा भी नहीं है। एंड अगर हम लोग बात करें क्रिसमस टावर स्किन की तो अच्छा टावर स्किन है, बेसिकली ये जो टावर स्किन है ना ये यहाँ पर ये जो लॉक टावर स्किन है इसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया है एंड इसको बना दिया है, मतलब कुछ ज़्यादा ही अपग्रेड करके इसको बनाया है, अच्छा टावर स्किन है। मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इसको हम लोग ऑसम में भी रख सकते हैं, ब्यूटीफुल में भी, मेबी ब्यूटीफुल ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एंड ये पर्दे भाई को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आज। एंड अगर हम बात करें ये वाले टावर स्किन की तो यहाँ पर ये जो टावर स्किन है ये लॉग वाले टावर स्किन का फुल अपग्रेडेड है, मतलब अपग्रेड बोले तो फ्रंट में एक स्टार लगा दिया है, थोड़ा घास फूस लगा दिया है, साइड से एक कलर टेप मार दिया है, बस ख़त्म ये हमारा टावर स्किन। एंड इसको शायद शॉप में ये टावर स्किन आया था कुछ तो काफ़ी ज़्यादा महंगा आया था, पता नहीं भाई ये टावर स्किन खरीदता कौन है भाई, मतलब लिटरली कौन खरीदता है ऐसे टावर स्किन्स। इसको मैं नाइस में डालूंगा बिकॉज ये लॉग वाले का अपग्रेडेड वर्जन है। एंड अगर हम बात करें ये वाले टावर स्किन की तो यहाँ पर जो टावर स्किन है ये शायद रॉयल घोस्ट वाले अपडेट में आया था या ट्रेजर कुछ तो अपडेट था, वैसे अपडेट का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है बट वैसे कुछ अपडेट था। तो यहाँ पर ये जो टावर स्किन है ये क्लैश रॉयल का पहला सेमी ट्रांसपेरेंट टावर स्किन था, यानी कि हम लोग इस टावर स्किन के आजू बाजू देख सकते हैं, आजू बाजू नहीं आर पार देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो ये जो टावर स्किन है ना ये काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है गेम के अंदर, जिस वजह से हम लोग इसको रखेंगे सुपर वाले कैटेगरी में, क्योंकि इसमें एक अलग सा थीम दिया गया था। प्लस जो फ्रंट में रॉयल घोस्ट का सॉर्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार लगता है। एंड बात करें यहाँ पर सैंड टावर स्किन की, सैंड अच्छा टावर स्किन है, सिंपल टावर स्किन है, इसको हम लोग रखेंगे नाइस में, ज़्यादा कुछ है नहीं टावर स्किन अंदर, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, काफ़ी सिंपल सा बनाया गया है, फ्रंट में थोड़े स्टार्स लगा दिए गए हैं, सिंपल सा है, नाइस में रखेंगे। एंड अगर हम लोग यहाँ पर बात करें यहाँ पर ये पंपकिन वाले टावर स्किन की, भाई ये टावर स्किन बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब क्लैश रॉयल का सीज़न का स्टार्टिंग हुआ था तब काफ़ी कम लोगों ने पास परचेज़ किया था, एंड जिन लोगों ने उस टाइम पास भी परचेज़ किया था वो लोग अब कम ही गेम खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जितने भी हमारे ओल्ड वाले टावर स्किन्स हैं वो काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये टावर स्किन्स देखने में इतना बुरा नहीं है, गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है, एक अलग सा थीम देने का ट्राई किया गया था, इसलिए हम लोग इसको रखेंगे सुपर एंड ऑसम में भी रख सकते हैं, मे बी सुपर में रखते हैं, क्योंकि सुपर कैटेगरी में हमने ऐसा टावर स्किन्स रखा है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड उनके जैसा कोई दूसरा टावर स्किन गेम के अंदर नहीं है। एंड अगर हम लोग बात करें ये वाला टावर स्किन्स की, ये वाला टावर स्किन सही में बहुत ज़्यादा अच्छा टावर स्किन से, काफ़ी सिंपल सा टावर स्किन से बट सही में देखने में काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। प्रिंसेस टावर भी ठीक ठाक है देखने में, अच्छा है, इसको हम लोग ऑसम में भी रख सकते हैं, ब्यूटीफुल में भी रख सकते हैं, इसको हम दोनों में रख सकते हैं, बट मेरे फिलहाल मतलब ब्यूटीफुल में रखते हैं क्योंकि इतना भी कुछ बुरा ये टावर स्किन नहीं है। तो गाइज ये है आज के वीडियो का फाइनल हमारे क्लैश रॉयल का सारे के सारे टावर स्किन्स का रैंकिंग। सुपर वाले कैटेगरी में हमने ऐसे टावर स्किन्स रखे हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड इनकी तरह देखने में कोई भी दूसरा टावर स्किन नहीं है। हाँ वैसे मैंने ये वाला टावर स्किन को नंबर वन पे इसलिए डाला है बिकॉज ये आपके भाई का फेवरेट टावर स्किन्स भी है, वो आप देख लेना। एंड अगर आपके भाई ने यहाँ पर आपके फेवरेट टावर स्किन्स को गलत वाले कैटेगरी में डाल दिया तो इन गुस्सा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस देख लेना आप लोगे। तो बस थैंक यू वेरी मच गाइज आज के वीडियो देखने के लिए, कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।